बावलोग आज का असली दुश्मन कौन है? फैलकॉन। नाउ इट्स जिगांटे। पेंगुइन एपिसोड 5 इज मार्वलस एक नई शुरुआत की तरफ लेकर गया है जहां सभी ने अपना न्यू स्टार्ट किया है। दैट्स वाई कि इस एपिसोड का नाम होमकमिंग है, क्योंकि जितना भी इन्होंने कमाया था वो सब गंवाने के बाद एक नई शुरुआत करी जा रही है। तो चलो बात कर लेते हैं एपिसोड 5 में क्या क्या मिला है हमें, लेकिन बाबा सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा काम जरा भी पसंद आता है तो एक लाइक देकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिलती रहे ऐसे ही ब्रेक डाउन एंड थ्योरी वीडियो बनाने के लिए। तो बाबा एपिसोड 5 एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 का कॉम्बो है। जहां उन दोनों एपिसोड्स की कहानी छूटी थी वो इस एपिसोड में फॉरवर्ड हुई है। अभी तक पेंगुइन जो सेल्वेटोर्स को भी धोखा दे रहा था, उनका इस्तेमाल कर रहा था फैलकॉन्स को गिराने में। खैर, पेंगुइन का काम सोफिया ने आसान कर दिया है। यस, सारे फैलकॉन्स मारे जा चुके हैं, सारे के सारे, इवन सोफिया। डोंट बी शॉक, सोफिया ने अपने बाप का सरनेम फैलकॉन अपने नाम से हटा दिया है और अपनी माँ इसाबेले जिगांटे का सरनेम सोफिया जिगांटे स्टार्ट कर दिया है। सभी को मारने के बाद सोफिया ने सिर्फ जॉनी बीटी को जिंदा रखा था। पहले तो उसे टॉर्चर किया क्योंकि उसके पास कारमाइन का छुपा हुआ खजाना था और सोफिया को उससे बाहर निकलवाना था ताकि न्यू गैंग न्यू ट्रस्ट को अर्न कर सके। और उसने बड़ी चालाकी से जॉनी बीटी को एक न्यू स्टार्ट का झांसा दिया और वो हार्ड कैश निकलवा लिया। एंड एक बॉस को रूल करने के लिए चाहिए डेयरिंग यानी दबदबा। न्यू बॉस मीटिंग में सभी के सामने उसने जॉनी बीटी को हेडशॉट दिया और वो स्वैग देखने लायक था सोफिया का। दैट्स वाई सी डिजर्व टू बी अ अनकंट्रोलेबल बॉस जो पेंगुइन की खटिया खड़ी कर देगी आगे जाकर, डेफिनेटली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में पूरी कहानी पेंगुइन के फेवर पर चल रही थी। तुम्हें मजा आने लग जाएगा कि यार अपना हीरो जीतते नजर आ रहा है। सेल्वेटोर्स की इसने धज्जियां उड़ा दी थी। जो मशरूम ड्रग्स नाडिया ने पेंगुइन और सोफिया से छीना था वो पेंगुइन को वापस मिल रहे थे। एक पुलिस गार्ड को पेंगुइन ने सेल्वेटोर को मारने का ऑर्डर दिया था। सोफिया वैसे ही कमजोर दिख रही थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगा कि अब पेंगुइन का एम्पायर शुरू हो चुका है और इससे ज्यादा पावरफुल फिलहाल वो दोनों फैमिली है नहीं। लेकिन अचानक सब बदल गया जो पेंगुइन हमें इनसे पावरफुल दिखने को लग रहा था, क्योंकि फैलकॉन्स और मैरोनीज में दुश्मनी बहुत पुरानी है तो पेंगुइन का काम आसान हो रहा था। दूसरा, उसने मैरोनीज से ड्रग वापस लेने के लिए सेल्वेटोर के बेटे को किडनैप कर लिया था और सिर्फ नाडिया अपने बेटे को छुड़ाने आई थी ड्रग के बदले, और दोनों माँ बेटों को पेंगुइन ने जिंदा जलाकर मार डाला था। उधर उसे लगा जेल में सेल्वेटोर को पुलिस गार्ड ने मार ही दिया होगा, पर सेल्वेटोर भागने में सफल हुआ और बाहर आकर पहला थ्रेट कॉल अपने ऑज यानी पेंगुइन को किया। और क्या बोल सकता है वो तुम सब जानते हो। पेंगुइन के घोड़े लगने वहां सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुए। सोफिया ने सेल्वेटोर से हाथ मिला लिया पुरानी सारी फैलकॉन्स की दुश्मनी को भुलाकर, और वैसे भी सोफिया फैलकॉन नहीं है, सी जिगांटे नाउ, और सेल्वेटोर के लिए इतना काफी था न्यू स्टार्ट के लिए, क्योंकि फिलहाल उन दोनों का दुश्मन अभी सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन ही है। दूसरी तरफ पेंगुइन भी ग्राउंड लेवल पर आ चुका है, सारे ऐसो आराम की जिंदगी से बाहर निकलकर एक न्यू स्टार्ट कर रहा है, अपने कट्टर दुश्मनों से छुपते छुपाते लाइफ। मशरूम ड्रग बनाना उसने सीख लिया है और अपने फिनेंस को हैंडल करने के लिए उसे इनकम ऑफसोर्स चाहिए ही चाहिए, जो ये मशरूम ड्रग करने वाला है उसके लिए। विक्टर का रोल अमेजिंग है, पेंगुइन की बहुत हेल्प कर रहा है, और इस एपिसोड में पता लगा कि पेंगुइन भी इन द पास्ट कभी विक्टर जैसी ही लाइफ जीकर आया था, जो इनके बॉन्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके गया है। तो बाबा ग्राउंड लेवल पर तीनों गैंग पोजीशन ले चुकी हैं। अब देखते हैं एपिसोड 6 में पहला हमला किसकी तरफ से होता है और कौन करता है, क्योंकि पेंगुइन भाई ने अपने दोनों दुश्मनों पर पहले ही घातक वार कर दिया है, सॉरी कर दिया था, सेल्वेटोर्स की बीवी और बच्चों को मारकर। उधर सोफिया के साथ उसने क्या क्या किया वो हम सब जानते हैं। तो देखते हैं एपिसोड 6 हमारे लिए कितने सरप्राइजेस लेकर बैठा है। बाकी बाबा वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। आपने भी एपिसोड देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी नीचे जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।